जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी एन सिंह क्लासेज में। आज हम लोग एक कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे। देखिए क्या है कि ICHR इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च जो कंट्रोवर्सी है वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ICHR के बारे में समझ लेते हैं कि देखिए ICHR जो है वो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है और ये आती है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, और एजुकेशन मिनिस्टर तो आपको पता ही है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो ICHR के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ICHR जो है ये 1974 के आसपास इसको बनाया गया था और ये जो रन करता है ये एक ऑनररी चेयरमैन होता है इसका, और पहले चेयरमैन थे इसके रामशरण शर्मा, और अभी जो इसके चेयरमैन है वो है आपके प्रेजेंट चेयरमैन है AP जमखाडेकर। ठीक है, अब देखिए कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी की हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि देश के आज़ादी का 75 साल पूरा हुआ है और इस 75 साल पूरा होने में पूरे देश में अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जो ICHR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का जो होम पेज है, होम पेज पर कुछ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, महान स्वतंत्रता सेनानी, उनकी पिक्चर लगाई गई है, जिसमें पिक्चर किसकी किसकी है। देखिए पिक्चर है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीर सावरकर। ठीक है, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ICHR की, उसमें जो उसका जो होम पेज है वो इन महान स्वतंत्रता सेनानियों की पिक्चर लगाई गई है। तो आप पूछेंगे कंट्रोवर्सी क्या है। तो कंट्रोवर्सी ये है कि क्या इसमें जो है वो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी पिक्चर नहीं है। तो कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो योगदान है वो हमारे देश के स्वतंत्रता कराने में या और हमारे देश को आगे बढ़ाने में, एक राष्ट्र का निर्माण करने में क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान नहीं है। तो क्या इस जो 75 साल पूरा होने पे जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या जो ICHR की जो वेबसाइट है उस पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पिक्चर नहीं लगाया गया है उस स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, तो क्या ये जवाहरलाल नेहरू का अपमान नहीं है। देखिए आज हम इसी पे बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उनके बारे में इतने मिथ और इतनी बातें फैलाई गई हैं हर जगह कि जैसे लगता है कि इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई विलेन है, सबसे बड़ा अगर कोई इस देश को गर्त में ले जाने का काम किया है तो वो किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू हीरो थे, हीरो हैं या विलेन हैं। ठीक है, देखिए अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो उसके कामों पर उसको क्रिटिसाइज़ करिए, उसने क्या किया है क्या नहीं किया है उस पर हमको बात करनी चाहिए। पहले उसके बारे में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, फिर हमें बोलना चाहिए। आज का समय क्या, आज के समय में मतलब जवाहरलाल नेहरू मतलब ऐसे मतलब हो चुके हैं आज के समय में कि कुछ भी हो गलती सिर्फ इसी बंदे की होती है, ठीकरा हम लोग इसी के ऊपर फोड़ेंगे। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में एक मंत्री थे, उनसे पूछा गया कि जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है, तो उनका जो जवाब था बहुत ही ज़बरदस्त था, उन्होंने कहा नेहरू की वजह से बढ़ रहा है। मतलब इस देश में कुछ भी हो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक इंसान होगा, वो है जवाहरलाल नेहरू। आज अगर हम पूछें कि इतनी महंगाई क्यों है तो आंसर होगा नेहरू।
आज इतना भय का माहौल, इतना मतलब हम कह सकते हैं कि इतना मतलब जो नफरत फैली हुई है समाज में, वो किस लिए है? तो उसका कारण है नेहरू। तो ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं क्या क्या नेहरू थे, क्या थे, क्या किया उन्होंने देश के बारे में। देखिए, 1920 के बाद नेहरू का पदार्पण हुआ हमारे भारतीय राजनीति में, और उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था पूरी तरह से, जो देश था हमारा पूरा अंग्रेजों का गुलाम था, और जो नेहरू थे वो महात्मा गांधी के कदमों पे चल रहे थे। जितने भी आंदोलन हुए उसमें नेहरू ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और देश की आज़ादी के लिए वो जेल गए। लगभग 9 साल, अपनी ज़िंदगी का 9 साल वो जेल में बिताए हैं, और बहुत सारे आंदोलनों को जब वो उसके खिलाफ़ जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, जब वो उसके खिलाफ़ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो अंग्रेज़ों के लाठियां भी खाई। अंग्रेज़ों ने उन्हें लाठियों से पीटा। जब भी लाठी चार्ज हुआ तो वहाँ पे जब सारे इंडियंस से जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जब उनको लाठी लगी तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे, उनको भी लाठी लगी। जवाहरलाल नेहरू कोई अंग्रेज़ों के सगे तो थे नहीं कि अंग्रेज़ जवाहरलाल नेहरू को छोड़ देंगे। जवाहरलाल नेहरू नमक कानून का, जब जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो उसको जब नमक टैक्स के खिलाफ जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, तो उसको सपोर्ट जब जवाहरलाल नेहरू ने किया, तो फिर इनको भी 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। तो इस देश को स्वतंत्रता कराने में उनका भी वही योगदान है जितना अभी हमने जितने स्वतंत्रता सेनानियों की बात की उनका है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो INC है, इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके ये लगभग 4 या 5 बार अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, देश की आज़ादी के पहले 4 बार इसके अध्यक्ष रहे हैं, 1929, 1930, 1936, 1937। अब हम बात करेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 1885 में एओ ह्यूम ने इसे बनाया था, एओ ह्यूम ने इसे बनाया था। और ये किसी आज आज के समय में हम देखें तो कांग्रेस जो है वो किसी एक परिवार की पार्टी कह सकते हैं। जहाँ पे सोनिया गांधी चाहेंगी, जहाँ पे राहुल गांधी चाहेंगे, वही उस देश का, उस पार्टी का सर्वेसर्वा हो सकता है। लेकिन जब 1885 में जब इस पार्टी का निर्माण हुआ, तो यह पार्टी किसी परिवार या किसी की अपनी पार्टी नहीं थी, और इस पार्टी में बहुत दिग्गज दिग्गज नेता थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे। और उन नेताओं के बीच में अपना वर्चस्व बनाना, उन नेताओं के बीच में चल के अध्यक्ष का पद प्राप्त करना, क्योंकि हर साल अध्यक्ष के लिए वोटिंग होती थी। जब भी कोई कांग्रेस का सेशन होता था, उसमें सेशन स्टार्ट होने से पहले अध्यक्ष का चुनाव होता था, और वो अध्यक्ष वोट के माध्यम से बनता था। ठीक है, तो 4 बार उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, 4 बार वो अध्यक्ष बने, और वो अध्यक्ष अपने दम पर बने, अपने उनका जो काबिलियत थी उस काबिलियत के दम पर बने थे। किसी ने उनको अध्यक्ष पद के लिए आगे नहीं किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गांधी के बाद जो महात्मा गांधी ने पूरे देश का भ्रमण किया था, एक एक चप्पे चप्पे गए थे, गली गली घूमे थे पूरे भारत का। उनके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू थे एक ऐसे नेता थे जो पूरा भारत घूमे थे, पूरे भारत गलियों गलियों में। अभी भी जो अवध है, अवध के किसान के नेता कहे जाते थे जवाहरलाल नेहरू, अवध के गलियों गलियों में वो घूमते घूमे थे। और उनके जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, वो उनके जो यही जो गलियों में घूमते घूमते, अवध के गांव में घूमते घूमते, जो किसानों की जो दुर्दशा थी, किसानों की जो समस्याएं थी, उनको जब सामने लाते थे, तो उन्हें मूंगफली की खाने की आदत हो गई थी, जिससे उनके जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। तो जवाहरलाल नेहरू कोई ऐसे अचानक कोई किसी ने उनको आगे नहीं बढ़ा दिया, जमीनी स्तर से वो उठे थे, जमीन से उन्होंने शुरुआत की थी, तब जाके वो आगे बढ़े थे, तब जाके वो अध्यक्ष का पद, और फिर आगे बढ़ के वो बने थे। अपने समय में इतना बड़ा नेता थे कि कोई उनका मतलब विरोधी नहीं था उनका, अपने समय में कोई विरोध करने वाला नहीं था उनका, और स्टेट्समैन ऑफ द इंडिया कहा जाता था उनको। और जब तक नेहरू जिंदा रहे, तब तक वो पॉलिटिक्स का सेंट्रल फिगर बने रहे, पॉलिटिक्स का सेंट्रल फिगर, सेंट्रल फिगर ऑफ पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर हम देश की आज़ादी की पहले की बात करें, देश की आज़ादी के बाद की बात करें, हमेशा जवाहरलाल नेहरू एक सेंट्रल फिगर बने रहे। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने उनको आगे बढ़ाया, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री जब वो बने, तो महात्मा गांधी ने उनको बढ़ाया था, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको 1930 के आसपास ही बोल दिया था कि ये जो इंसान है, ये जो बंदा है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, और ये आगे चल के देश का बहुत बड़ा नेता बनेगा। और ये गांधी जी ने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, उनको लगता था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की वो चीज़ थी,
जवाहरलाल नेहरू के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता थी, एक बहुत बड़े लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा हम बात करें आगे तो देखिए, जब देश आज़ाद हो गया और देश आज़ादी के बाद अब तक के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जो हैं वो हैं 17 साल इनका प्रधानमंत्रित्व काल था। प्रधानमंत्री ये 17 साल तक रहे। कोई भी इंसान होता है उससे गलतियाँ होती हैं और नेहरू से भी गलतियाँ हुई होंगी। जैसे सन 1962 का जो भारत चीन युद्ध है उसको समझने में नेहरू ने गलती की और उन जब तक वो मरते दम तक उनको उसका जो टीस था वो उनको उनके दिल में उनको दर्द देता रहा और उसी के वजह से 1964 में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कोई भी इंसान अगर कोई नया नया शुरुआत करता है तो गलतियां उससे होती हैं, लेकिन इन 17 साल के कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए क्या किया वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर नेहरू, अगर मान लीजिए हम आपसे एक एग्जांपल लेकर बात करें, अगर आप 1983 के विश्व कप की बात करें, 1983 का जो विश्व कप था, 1983 का जो विश्व कप है, हमें याद है कि 1983 में जब भारत ने पहली बार विश्व कप जीती थी क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप, तो उसके कितने प्लेयर थे उसमें, उनके जो उस क्रिकेट टीम में कितने प्लेयरों का नाम आपको याद होगा। लेकिन उस टीम के जो कैप्टन था उसका नाम आपको आज तक याद होगा, कैप्टन का नाम कपिल देव, वो आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन प्लेयर कौन था वो आप भूल जाएंगे। वैसे ही अगर हम 2011 के विश्व कप की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी सबको याद होगा कैप्टन, लेकिन प्लेयर कौन था, पूरे प्लेयर किसी को याद नहीं होगा। वो भाई रिसेंटली 2011 की बात है तो कुछ प्लेयर हमको याद हो सकते हैं, लेकिन आज से हम 10 साल 15 साल बाद बात करेंगे तो 2011 के महेंद्र सिंह धोनी का नाम याद रहेगा सबको, लेकिन प्लेयर का नाम भूल जाएगा। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू एक कैप्टन थे जो उन्होंने देश को आगे बढ़ाया 1947 से 1964 तक, उसके वो कैप्टन थे। तो कैप्टन को कैसे भुलाया जा सकता है, मतलब आप टीम को याद रखें और कैप्टन को भूल गए, मतलब गजब है। मतलब जो कैप्टन जिसने लीड किया, जिसने देश को आगे बढ़ाया, अगर कैप्टन चाहता तो किसी भी तरह, कैप्टन क्या होता है, कैप्टन पूरी टीम, हम कहने का मतलब ये नहीं है कि टीम ने कुछ नहीं किया, कोई भी आप जब काम करते हैं तो उसमें आप एक कोऑपरेट होता है, सभी लोग मिल के करते हैं, लेकिन जो पूरा चीज़ को कंट्रोल करना, सबको एकजुट बनाए रखना, सबको आके लेकर बढ़ना, वो काम कैप्टन का होता है। और वो काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, वो काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी थी, उन्होंने सबको लीड किया, उन्होंने एक देश को आगे बढ़ाने में बहुत सारे काम किए। तो मतलब आप कैप्टन को भूल जाइए और पूरे प्लेयर को आप याद रखिए, ये गतो गजब बात है, मतलब कैप्टन भूल गया और सभी लोग याद रह गए। इसके अलावा जो जिन स्वतंत्रता सेनानियों या जिन क्रांतिकारियों का नाम फोटो जिसमें लगा है ICHR की वेबसाइट पर, उन्होंने जो देश के लिए किया है, बहुत सारे ऐसे अनगिनत वीर हैं, बहुत सारे ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ये देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने जो किया उसके लिए ये देश हमेशा उनका नमन करता रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जवाहरलाल नेहरू को भूल जाएं या जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए कुछ नहीं किया। अब जवाहरलाल नेहरू को उनके काम पे, कामों के बदौलत आकलन कीजिए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो देखिए 1947 में देश, हम लोग का जो देश था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इसी दिन जो भारत था वो दो टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। और इस बंटवारे के साथ ये जो विभाजन थी, ये विभाजन की जो विभिषिका थी, इस विभाजन में हमारे देश के ऊपर हजारों लाखों शरणार्थी देश में अचानक आ गए, जिनको खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये अचानक हमारे देश के ऊपर एक भार बढ़ गया। और उसी समय अचानक 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, उससे जूझना, इतनी सारी समस्याएं अचानक से आ जाना, एक नए देश का निर्माण करना, एक नए राष्ट्र का निर्माण करना, और ये सब जवाहरलाल नेहरू और उनकी जो भी कैबिनेट थी, उस समय के जितने भी नेता थे, उन लोगों ने कितनी अच्छे से इसको टैकल किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के, उनको लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो किया देश के लिए वो अतुलनीय है और उन्होंने जो देश के लिए किया, देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिर्फ किया, जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया, ये तो गलत है। देखिए 567 रियासत जो हमारे देश में मिलाई गई और उसको मिलाने के जो काम जवाहरलाल नेहरू, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, वो बहुत ही ज़बरदस्त था।
आज अगर वो नहीं मिलाते तो आज हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ होता। लेकिन कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो ये होता, मतलब एक तरह के ऐसा हुआ कि अगर ये होता तो ये होता, तो ये तो फिर बात ही अलग हो गई, ये होता तो वो होता। और दूसरी बात हम करें तो 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो गई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब डेथ हो गई तो फिर वो प्रधानमंत्री रहते कैसे, और 3 साल में फिर वो क्या कर लेते। 3 साल तो भारत को अपनी जो विभाजन की जो विभिषिका थी, विभाजन से जो स्थिति खराब हुई थी उससे निपटने का ही। 48 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई, 50 में सरदार वल्लभ भाई पटेल चले गए, और देश के ऊपर इतना बड़ा समस्या था, इन सब से निपटना, फिर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना, कितनी सारी चुनौतियां थी जवाहरलाल नेहरू के सामने। लेकिन इन चुनौतियों से वो कभी भागे नहीं, उन्होंने इस देश का निर्माण किया। आज हमारा जो लोकतंत्र है, जो दुनिया के सबसे अच्छे लोकतंत्र में माना जाता है, अगर उसका अगर हम किसी को कहें कि वो लोकतंत्र आज इस मुकाम पर पहुंचा है तो उसके सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी आप भवन बनाने जाएंगे तो अगर उस भवन का जो नींव है अगर वो अच्छा नहीं होगा तो भवन कभी भी अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि जो भवन है वो उस नींव पे टिका होता है। तो किसी भी भवन का नींव जबरदस्त होना चाहिए, और हमारे देश का जो नींव है वो जबरदस्त है। इसी के साथ अगर हम लोग एग्जांपल ले पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान भी उसके भी 75 साल पूरे हो गए उसके बनने का, 47 में बना था और वो 75 साल उसके भी पूरे हुए हैं। लेकिन इस 75 साल के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया है, और भारत में सत्ता हमेशा परिवर्तन होती रही है। सिर्फ 1975 का अगर हम इमरजेंसी हटा दें तो भारत में कभी भी तानाशाही या लोकतंत्र कोई भी आँच नहीं आई, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए इसको आगे बढ़ाना, एक नए राष्ट्र का निर्माण करना, इन सब के पीछे हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं, द स्टेट्समैन ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इसके पीछे का उनके ही विचार था। उन्होंने कहा कि लोगों के बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, बिना लोकतंत्र के कोई भी, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो जो डिवाइन थियोरी ऑफ किंगशिप थी उसको कभी मानते ही नहीं थे। इसीलिए जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उस समय के सबको उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी प्रिंसली स्टेट नहीं रहेगा, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, और हम डिवाइन थियोरी ऑफ किंगशिप है उसको मानते ही नहीं है, वो होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा जो आज हम लोग देखते हैं तो भारत माता हमारे 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 अंदर एक भारत माता की जो तस्वीर आती है, जो भारत के बीच में एक माता का नक्शा उतरता है, जवाहरलाल नेहरू के लिए भारत के लिए जो भारत माता की जो तस्वीर थी वो यहाँ के पहाड़, यहाँ के झरने, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के ये सब नहीं था। उनके लिए जो भारत माता थी वो इस देश के 30 करोड़ जनता उनके लिए भारत माता थी। भाखड़ा नंगल परियोजना का जब उन्होंने उद्घाटन करने के लिए उनको बुलाया गया, जब वहाँ पर वो उद्घाटन करने गए तो वहाँ पर एक मजदूर से उन्होंने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि मजदूरी कर रहे हैं, 1-2 रुपया हमको मिलेगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नहीं, तुम मजदूरी नहीं कर रही हो, तुम भारत का निर्माण कर रही हो, तुम इस राष्ट्र का निर्माण कर रही हो। और उन्होंने उस मजदूर से भाखड़ा नांगल परियोजना का जो थी, जो डैम था, उसका उद्घाटन करवाया, और उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए भारत माता हो। भारत माता मेरे लिए कोई एक ऐसा पिक्चर नहीं है जो एक माता है, हाथ में एक झंडा है, सिंह पे सवार है, ये हमारे लिए भारत माता की तस्वीर नहीं। हमारे लिए भारत माता तुम हो, ये 30 करोड़ की जो जनता है ये हमारे लिए भारत माता है। तो जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी वो हमेशा समय से आगे थी। आज हम जो मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, इस मॉडर्न इंडिया की नींव रखने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच में जो मतभेद था, लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाने का जो काम किया वो महात्मा गांधी ने किया, क्योंकि हमेशा जवाहरलाल नेहरू को चाहते थे कि प्रधानमंत्री कोई बने, तो महात्मा गांधी को यही सोचते थे कि जवाहरलाल नेहरू बने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के आगे बढ़ने के कारण सिर्फ महात्मा गांधी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू की अपनी प्रतिभा थी, जवाहरलाल नेहरू अपने दम पर आगे बढ़े। और ये बात, जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ेंगे, आगे चल के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, या आगे चल के देश के सर्वेसर्वा बनेंगे, नेता बनेंगे, इतने बड़े नेता बनेंगे, ये महात्मा गांधी बहुत पहले बोल चुके थे, और बहुत पहले उनको लगता था। इसका भी मतलब ये नहीं कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच में मतभेद नहीं था, दोनों के बीच में मतभेद था लेकिन मनभेद नहीं था। जो महात्मा गांधी कहते थे कि महात्मा गांधी का जो विचार था कि जो भारत है वो गाँव में बसता है, और इस गांव में बसने का मतलब क्या होता है कि महात्मा गांधी के दिल में गांव के लिए एक सोच थी। वो चाहते थे कि भारत का जो गांव हो सुंदर हो, सरल हो, अच्छा हो। और इस गांव के जो विचार थी उस पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में मतभेद हुए।
जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जब अगर देश आगे बढ़ रहा है, जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जब नई नई चीज़ें हो रही हैं, विकास हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें गाँव में क्यों ना पहुँचे। इस बात को लेकर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेद हुआ। एक बार की बात अगर हम बताएं तो एक बार जवाहरलाल नेहरू ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे, तो उस समय देश जो था वो विभाजन की विभीषिका झेल रहा था। तो कुछ लोग थे, नाराज़ थे, और नाराज़ी में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मुर्दाबाद किनारे लगा रहे थे। जवाहरलाल नेहरू तुरंत उतरे और वहाँ पर गए, उन लोगों को एकदम हड़काते हुए बोले कि तुम कैसे महात्मा गांधी को मुर्दाबाद बोल सकते हो, तुम जानते क्या हो गांधी के बारे में, तुम जानते क्या हो गांधी कौन है। आज हम किसी भी नेता को मुर्दाबाद जिंदाबाद ऐसे ही करने लगते हैं, पहले आप उस नेता को समझिए, उस जानिए, किसी भी नेता के पीछे ऐसे ही ना चलने लगिए। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर 4 बार अटैक हुआ था। एक बार नागपुर, एक बार उनके ऊपर बम्स अटैक हुआ, ट्रेन में जब जा रहे थे बम्स अटैक हुआ, चाकू से अटैक हुआ, उनके ऊपर गोली चलाई गई, 4 बार उनके ऊपर अटैक हुआ था। लेकिन कभी भी वो सिक्योरिटी लेकर चल, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेने से वो हमेशा घृणा करते थे। वो कहते थे कि मैं अपने लोगों से मिलने जा रहा हूँ, और अपने लोगों से मिलने के लिए मैं इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी लेकर नहीं जा सकता, और अपने लोगों से मिलने में कौन सा डर। तो जवाहरलाल नेहरू, अगर हम बात करें, अगर मेरी अपने नज़रिए से बात करूँ, तो मेरी नज़र में जवाहरलाल नेहरू देश के, अगर सभी प्रधानमंत्रियों से अगर मुझे कहा जाए कि सबसे अच्छा प्रधानमंत्री चुनने को कहा जाए, तो मैं 1 पर जवाहरलाल नेहरू को रखूँगा। और जवाहरलाल नेहरू ने इस जो देश के लिए जो किया है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत सी किताबें आपको मिल जाएंगी। किसी भी इंसान को अगर आपको कंपेयर करना है, उसके बारे में अगर कुछ भी समझना है, तो पहले आप उसे जानिए, समझिए और पढ़िए। ऐसे ही किसी के बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी समझना, कुछ भी बात करना अच्छा नहीं होता है। और जो ICHR ने जो किया है वो मेरे नज़रिए से बहुत ही ख़राब काम है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इस देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों में जवाहरलाल नेहरू का भी वो स्थान है, और वो डिज़र्व करते हैं, और उस पिक्चर में जवाहरलाल नेहरू का भी फ़ोटो होना चाहिए था। ठीक है, तो जय हिंद।